दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि किसी के रोने पर उसकी नाक से पानी क्यों निकलने लगता है, या फिर ये कि फिल्म के सर्टिफिकेट पर इन ग्रेडों का क्या मतलब होता है? अगर नहीं तो बने रहिए ग्लोबल फैक्टम के इस रोमांचक सफर में। फैक्ट नंबर वन, दोस्तों जब कोई इंसान रोता है तो उसकी आंखों से आंसू तथा नाक से पानी भी निकलने लगता है। इसका कारण यह है कि हमारी निचली पलकों पर एक छोटा सा छिद्र होता है जो सीधा नाक में खुलता है, और जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो उसी छिद्र द्वारा आंसू नाक के द्वारा भी बहने लगता है। फैक्ट नंबर टू, दोस्तों जब भी हम कोई फिल्म प्ले करते हैं तो फिल्म के सर्टिफिकेट में बड़े अक्षरों में फिल्म का ग्रेड लिखा होता है। तो अब जानते हैं ये ग्रेड हमें क्या बताते हैं। यदि फिल्म का ग्रेड ये U है तो इसका अर्थ है इस फिल्म को फैमिली के साथ देखा जा सकता है। यदि फिल्म का ग्रेड ये है तो इसका अर्थ है इस फिल्म को 12 वर्ष से कम उम्र के बच्चे अपने पेरेंट्स के डायरेक्शन में इस फिल्म को देख सकते हैं। वहीं अगर फिल्म का ग्रेड B/A है तो इसका मतलब है कि फिल्म 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए नहीं है, और यदि फिल्म का ग्रेड S है तो वह किसी स्पेशल पर्सन यानी कि डॉक्टर और साइंटिस्ट के लिए होता है। फैक्ट नंबर थ्री, दोस्तों वोडाफोन के विज्ञापन में हमें जो कार्टून दिखाया जाता है, दरअसल वो कोई कार्टून नहीं होते, उन्हें जूजूज कहा जाता है, और वे एनिमेटेड नहीं होते बल्कि वे लोग विशेष रूप से डिजाइन किया हुआ कपड़ा पहने हुए होते हैं। फैक्ट नंबर फोर, दोस्तों अगर हम किसी फ्रूट के पेड़ पर चढ़ते हैं तो हमें सिर्फ एक ही तरह का फ्रूट मिलता है, पर तब क्या हो जब हम एक ही पेड़ पर चढ़े और हमें 40 तरह के फल खाने को मिले। दोस्तों अमेरिका में विजुअल आदर्श के प्रोफेसर ने ट्री ऑफ 40 नाम का एक पेड़ तैयार किया है जिस पर 40 तरह के फल लगते हैं, और इस अनोखे पेड़ की कीमत है करीब 19 लाख रुपए। फैक्ट नंबर फाइव, दोस्तों ये है रुडोल्फ डीजल जिन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। फिर इन्होंने 1913 में सुसाइड कर लिया, जिसका कारण ये था कि वे सोच रहे थे कि जिस इंजन का आविष्कार इन्होंने किया है वह भविष्य में सक्सेसफुल नहीं होगा। आज हम लोग खुद देख सकते हैं कि डीजल इंजन किस ऊंचाई तक पहुंच चुका है। सलाम है ऐसे साइंटिस्ट को जिन्होंने हमारे सफर को इतना आसान कर दिया। फैक्ट नंबर सिक्स, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि लॉबस्टर मछली का पेशाब उसके चेहरे से निकलता है और वे एक दूसरे लॉबस्टर के ऊपर पेशाब करते हैं जिससे वे बात कर रहे होते हैं। दोस्तों आज का सफर बस यही तक। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, सी यू अगेन।